इससे पहले अरुणिता के संग ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं की गई। जब जब अरुणिता कहीं अकेले शो के लिए जाती हैं, तब तब उनके साथ गलत काम होता है। हाल ही में अरुणिता कोलकाता शो में गई थी, जबकि कोलकाता तो अरुणिता का घर है, तो वहां ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा रही है। अरुणिता को नोट की गड्डी दिखाई गई और तब भी अरुणिता ने वो नोट नहीं लिए। फिर क्या हुआ, पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। अरुणिता कांचीलाल की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अरुणिता को मंच पर पैसों की गड्डी भेजी गई, वो भी जब अरुणिता अकेले कोलकाता शो में गई थी। बच्ची के हाथों से पैसों की गड्डी भेजी गई। फोटो को जूम करके देखिए, एक शख्स बच्ची को मंच पर चढ़ाता है, फिर बच्ची को पैसों की गड्डी देता है और अरुणिता के पास भेजता है। अरुणिता मासूम बच्ची को देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन नज़र बच्ची के हाथ में ढेर सारे नोटों पर पड़ती है तो वो चौंक जाती हैं, घबरा जाती हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची के हाथों में इतने सारे पैसे कौन दे सकता है, खुद तो आ नहीं सकते हैं। ज़रूर किसी ने बच्ची को इतने ढेर सारे पैसे देकर अरुणिता के पास भेजा। फोटो में एक शख्स भी दिखाई दे रहा है जो बच्ची को मंच पर चढ़ाता दिखाई दे रहा है। अरुणिता ने बच्ची को देखा तो फॉरहेड पर किस किया और उसे उन पैसों के साथ वापस जाने को कहा, लेकिन बच्ची मान ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बच्ची को सिखा कर भेजा गया है कि ये पैसे अरुणिता को देना ही है। हैरानी तो तब हुई जब पवनदीप उनके पास नहीं थे और अरुणिता को गाने के साथ साथ उस बच्ची को माना करना पड़ा था, हैंडल करना पड़ा था और बच्ची मान ही नहीं रही थी। काफ़ी देर तक मंच पर यह सब होता रहा। अरुणिता बार बार उसे जाने को बोलती लेकिन बच्ची हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सवाल ये है कि बच्ची के हाथ में इतने पैसे कैसे आए, कोई क्यों देगा और किस लिए दिए गए। दानिश की शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तक उनके फैंस उनकी दिलचस्प फोटोज और वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया हिला रहे थे कि अब दानिश ने भी असल और अपनी दिलचस्प वीडियो शेयर करके अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दानिश को जैसे ही शादी से फ्री टाइम मिला, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गाना गाया और उस गाने को उन्होंने इंस्टा पर शेयर भी किया है। दानिश ने अपनी पत्नी के संग जो गाना गाया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दानिश भी अपनी खूबसूरत पत्नी के इतने दीवाने हो गए कि उनके लब्ज उनके लिए गाना गाने के लिए बेताब दिखाई दिए, ज्यादा इंतजार नहीं कर पाए। दानिश ने अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हुए एक खूबसूरत गाना बना दिया जिसे उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। दानिश ने अपनी पत्नी के लिए किस्मत गाना गाया। उन्होंने इस गाने में न केवल अपनी आवाज दी बल्कि अपनी शादी के सीन्स भी दिखाए हैं, बल्कि उन्होंने पहले ही इस गाने की शूटिंग भी कर ली थी जिसे अब खूबसूरत मौके पर पेश किया है। गाने में दानिश ने अपनी पत्नी के संग शादी के कुछ ऐसे सीन दिखाए जिसे अब तक आपने नहीं देखा होगा। सॉन्ग का नाम है किस्मत और इस गाने में दानिश की पत्नी दानिश को कोट पहनाती दिखाई दे रही हैं। अब किस्मत नाम से ही पता चल रहा है कि दानिश की किस्मत खुल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने किस्मत नाम दिया है। दानिश अपनी पत्नी के संग बहुत ही दिलचस्प पोज देते दिखाई दिए। खैर, ये तो दानिश ने पहला गाना शूट किया है और हो सकता है ऐसा बल्कि कहा जा रहा है कि दानिश अपनी पत्नी के संग काम करेंगे, गाने की शूटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि दानिश की पत्नी सिंगर तो नहीं है, लेकिन शूटिंग जरूर करेंगे। दानिश भी मान गए कि किस्मत से उन्हें इतना खूबसूरत हमसफर मिला है तो उसकी कद्र भी करना चाहिए। शायद इसलिए उन्होंने अपने इस रिश्ते की शुरुआत किस्मत से की है। किस्मत नाम बहुत सोच कर उन्होंने रखा होगा, किस्मत नाम दिया है। किस्मत गाना गाकर उन्होंने अपनी पत्नी की खूबसूरती को बयां किया है। दानिश के इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। आप इस जोड़ी के लिए और इनके गाने के लिए क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल का कोलकाता से वीडियो सामने आ गया है। कोलकाता में अरुणिता कांचीलाल की ग्रैंड एंट्री देकर हर कोई शॉक रह गया। अरुणिता कांचीलाल का कोलकाता से जो वीडियो सामने आया, उसमें अरुणिता कांचीलाल दृष्टि और एक शख्स के साथ नजर आ रही हैं। शो के और भी ढेर सारे फोटोज भी आ चुके हैं। दृष्टि चारों तरफ से अरुणिता को कवर किए हुए हैं और उन्हें मंच तक ले जाती हैं। अरुणिता कांचीलाल इस मौके पर बहुत नॉर्मल कपड़ों में दिखाई दी। ये शो किसी मेले जैसी जगह पर था। अरुणिता जहाँ दिखाई दे रही वहाँ आसपास झूले दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारे फैंस अरुणिता के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके संग सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उनसे बातें करना चाह रहे हैं। अरुणिता कांचीलाल का ये वीडियो देखकर फैंस उन्हें राय दे रहे हैं कि आपको इतनी भीड़ में बिना सिक्योरिटी के नहीं जाना चाहिए। और ऐसे वक्त पर अरुणिता के संग पवनदीप भी नहीं थे तो घबराहट और चिंता तो होगी। पवनदीप राजन भी अरुणिता कांचीलाल की ये ग्रैंड वीडियो देखकर खुशी से पागल हो गए। पवनदीप इस मौके पर अरुणिता के संग तो नहीं थे लेकिन उनके
फैंस ने उनकी ये कमी खलने नहीं दी। उनके फैंस उनके बारे में सवाल करते दिखाई दिए, उनके बारे में बातें करते दिखाई दिए। कोलकाता में अरुणिता से ज्यादा पवनदीप के फैंस दिखाई दिए। सबके सब अरुणिता से पवनदीप के बारे में सवाल पूछते हैं। भाई कल अरुणिता का कोलकाता में शो था और पवनदीप का भी कल कहीं शो था। हालांकि अभी लोकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप का मुंबई में शो था। कल पवनदीप मेकअप रूम में मेकअप करवाते दिखाई दिए। पवनदीप अरुणिता के हाउसफुल वाले शो के बाद एक जबरदस्त वीडियो देखे जा रहे हैं। शो में इस कदर तोड़फोड़ हुई है कि दावे के साथ किसी ना किसी के चोट भी जरूर लगी होगी और मंच की गंदगी सामान बिखरा देकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना गदर काटा गया और इन 5 सुपरस्टार सिंगर्स को कितना थकाया गया, कितना सताया गया, कितने झटके दिए वो तो आप देख ही रहे। अब तक आपने इनके झटके वाली वीडियो देखी जिसमें पवनदीप को भी झटके दिए गए। पवनदीप के झटके देकर अरुणिता भी परेशान हुई, लेकिन अब आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें गोल मंच पर इन 5 सिंगर्स को खड़ा कर दिया जाता है और मंच को चला दिया जाता है। मंच गोल गोल घूमता है और पवनदीप अरुणिता के साथ 5 सिंगर्स गाने में लगे होते हैं। दूसरी टीम के लोग इनका ध्यान भटकाने के लिए इन पर बॉल फेंकते नजर आते हैं और जब बॉल लगती है तो सिंगर नीचे गिरने लगते हैं। एक तरह से इन सिंगर्स को गाना भी गाना है और बॉल से बचना भी है। काफी देर तक 5 सिंगर गेम्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक से बॉल अरुणिता के सिर पर लगती है और अरुणिता मंच से नीचे धड़ाम से गिर जाती है। अरुणिता की छोटी सी चोट भी आती है और ये सब देखकर पवनदीप के चेहरे पर उदासी आ जाती है। उनका मूड ऑफ हो जाता है और वो गेम खेलने से मना कर देते हैं। पवनदीप ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उनकी ये चुप्पी साफ कह गई कि उन्हें तकलीफ हुई जब अरुणिता को चोट लगी। उनके चेहरे की उदासी देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि पवनदीप ऐसा गेम और ऐसे शो में दोबारा नहीं आना चाहते। पवनदीप राजन के लिए जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं, बड़ी और तगड़ी प्लानिंग भी हो गई है। इस वक्त अरुणिता के गिफ्ट पर सबकी नजर है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम पवनदीप के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। फैंस तो पवनदीप का जन्मदिन भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, पवनदीप का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। अरुणिता कांचीलाल अपने इस करीबी दोस्त के लिए क्या करने वाली है, इस वक्त हर कोई इसी सवाल पर दिलचस्पी ले रहा है। वैसे तो अब इनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर है, क्योंकि बात इन दोनों के बीच की नहीं बल्कि अब इन दोनों के अलावा इन दोनों की फैमिली भी जुड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे की फैमिली से घुल मिल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता अब दोस्ती से रिश्तेदारी तक हो गया है। तो पवनदीप का बर्थडे स्पेशल बनाने में अरुणिता तो कुछ प्लानिंग कर ही रही होंगी, हक भी बनता है। 27 अप्रैल को पवनदीप को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं वो तो हम आपको बताएंगे।